हेलो गाइस, माय नेम इज दीप। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर इंडिया में एनीमे का सीन कैसे बना, क्योंकि आज से 2 से 3 महीने पहले तक तो एनीमे का कोई भी सीन नहीं था। पर ऐसा क्या हुआ कि फाइनली हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है एनीमे हिंदी में। अभी से 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि एनीमे हिंदी इंडिया में कभी नहीं आने वाला, इतना भी नहीं 2 से 3 सालों तक बोला था। और इन सभी चीजों के पीछे मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी थी जब जाकर मैंने कहा था। बट मुझे यहाँ पे एक तरीके से खुशी होती है कि मेरा प्रेडिक्शन गलत निकला। तो चलो सबको छोड़ते और सीधे मुद्दे पर आते हैं कि आखिर ये एनीमे वाला सीन कैसे स्टार्ट हुआ। सबसे पहले तो मैं कैट देना चाहूंगा इंस्टाग्राम को, क्योंकि जब भी हम इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हैं तो हम लोगों को एक ना एक एनिमे के बारे में रील्स मिली जाती है। और उन सभी रील्स को देखना एक तरीके से दिमाग में क्यूरियोसिटी जगाता है कि क्या एनिमे इतने कूल हो सकते हैं। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब भी आप लोग अपने फ्रेंड्स को एनिमे रिकमेंड करते हो तो वो बिल्कुल नहीं देखते, भले ही आप अपने फ्रेंड्स को उसके बारे में 100 अच्छी चीजें बता दो। बट अगर रील्स को स्क्रॉल करते हुए आपको देखने के लिए मिलता है मात्रा उचिया डेथ नोट का लाइट यागामी या फिर नारुतो, तो बंदे एक्साइटेड हो जाते हैं और क्यूरियोसिटी में देखने भी लगते हैं और आखिरी में जाकर हमको रिकमेंड करते हैं कि भाई नारुतो देख। इन सभी दो लोगों को बोलना चाहिए कि भाई अभी तुम्हारी वन टेल निकली है, इधर बैरियन मोड आ चुका है। और कुछ लोगों ने तो वन टेल भी नहीं देखी है और ये लोग ये भी भूल जाते हैं कि पहले रिकमेंड हमने ही किया था। बट मेन मुद्दा यहाँ पे है कि जब हम लोग को रील्स बहुत ज्यादा एनिमे की दिखने लगी, बहुत ज्यादा व्यूज में इंक्रीजमेंट आता गया और लोगों की क्यूरियोसिटी जागती गई, तो लोगों ने जैसे तैसे करके एनिमे को देखना स्टार्ट किया। और यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आ रही थी कि एनिमे होता है मेनली इंग्लिश या फिर जापानीज में, और सभी लोगों को पता है कि हमारे इंडिया में लोगों का इंग्लिश में कितना ज्यादा हार्ट टाइट है। ये देखो भाई, देखो मैं हेंटाई की बात नहीं कर रहा, बट इतनी सारी चीजें यहाँ पे होने के बाद सबकी मांग उठती है कि हमको एनिमे चाहिए हिंदी में। यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहूंगा नेटफ्लिक्स को भी, क्योंकि अगर नेटफ्लिक्स की 1 से 2 साल पहले की बात की जाए तो पूरा नेटफ्लिक्स इंडिया सूखा पड़ा था एनिमे से। बट धीरे धीरे करके नेटफ्लिक्स ने बहुत सारे एनिमे डालना स्टार्ट कर दिया और कुछ तो हिंदी में भी है, और नेटफ्लिक्स के थ्रू एनिमे का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रमोशन होना स्टार्ट हो गया था। आप लोगों ने यहाँ पे एक वीडियो देखी होगी जहाँ पे ध्रुव राठी ने प्रमोशन किया था डेथ नोट का और तन्मय भट्ट ने किया था नारुतो का। इनके अलावा भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने एनिमे का प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया था। लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी तो जगी, हम लोगों को एनिमे देखना है। बट यहाँ पर फिर से वही ऑब्स्टिकल आता है, हिंदी नहीं मिलता। और तीसरे नंबर मुझे लगता है अंकुर जावेरी सर। अंकुर जावेरी सर एक बहुत बड़े वॉइस आर्टिस्ट हैं। अगर आप लोग अभी ड्रैगन बॉल सुपर देख रहे हैं तो गोकू की आवाज उन्हीं की है, और अंकुर जावेरी सर ने बहुत सारी मूवीज और एड्स में अपनी वॉइस दी है। तो मैंने उनके एक इंटरव्यू में देखा था कि अंकुर जावेरी सर एक पोस्ट डालते हैं जो कि इंटरनेट में बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है, जहाँ पे उनकी जो वॉइस थी वो गोकू के नाम से जानते थे और सभी उनको डीएम करने लगे कि हमारा गोकू वापस आ गया। और आगे चल के अंकुर जावेरी सर बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो गए एनिमे कम्युनिटी से, और आगे चल के बंदे ने बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस से बात भी करी, और आगे चल के उन्होंने बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ कॉलैब भी किया, और धीरे धीरे करके जितने हो सकता था अपनी तरफ से उन्होंने एनिमे के बारे में अवेयरनेस फैलाना चालू कर दिया। और इतने सारे एफर्ट के बाद फाइनली जाकर अंकुर जावेरी सर का कॉन्टैक्ट होता है कार्टून नेटवर्क के हेड से, और यहाँ पे 10 एनिमेज की लिस्ट बनाकर दी जाती है। बट आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि जो ड्रैगन बॉल जी का बजट है वो कार्टून नेटवर्क करीब 90% बजट को कंज्यूम कर रहा है, तो सारे एनिमेज तो नहीं दिखा सकते अनटिल द एंड की सभी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मतलब सभी के सभी लोग एनिमे देखना स्टार्ट कर दे। और इतने सारे एफर्ट के बाद फाइनली जाकर ड्रैगन बॉल जी तो स्टार्ट हो ही जाता है, और कुल मिला के जो रिस्पांस था वो ठीक ठाक देखने के लिए मिलता है। बट ऐसे नहीं चलने वाला, कहा है वो सभी एनिमे लवर्स जो बोलते थे हमें एनिमे हिंदी में देखना है, हेल्प करो भाई कार्टून नेटवर्क की, क्योंकि यहाँ पे 10 एनिमेज की लिस्ट दी गई है और वो 10 एनिमेज लिटरली सब कुछ है। और जितनी जल्दी यहाँ पर ड्रैगन बॉल जी के रिस्पांस को बढ़ाया जाएगा हमें उतनी ही जल्दी और भी एनिमेज देखने के लिए मिलेंगे। बट ये जो ड्रैगन बॉल जी का इनिशिएटिव हुआ था हमें बहुत जल्दी इसका एक रिस्पांस देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जब ड्रैगन बॉल जी एयर हो रहा था तो बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म और टीवी चैनल्स की नजरें उस पर थी, और इसका असर ये होता है कि हम लोगों को नारुतो देखने के लिए मिलने वाला है, और नारुतो आप लोगों को सोनी ये में 15 अगस्त से देखने के लिए मिलेगा। मैंने यहाँ पे नारुतो के पूरे प्रोमोस देख चुके हैं और कई लोगों को कहना है कि नारुतो की आवाज उनको अच्छी नहीं लगी। भाई आप लोगों ने नारुतो इंग्लिश में देखा है और जापानीज में भी, और एक तरीके से हम सभी लोग बहुत ज्यादा हैवी चल हो चुके हैं उन सभी वॉइस के, मतलब कि अगर आप लोग एक जगह मोमोज खाने जाते हो तो आप वहीं पर जाने लगते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी दुकान के मोमोज खराब है, एक बार ट्राई कीजिए शायद आप लोग को वो भी पसंद आ जाए। मैं मोमोज की बातें क्यों करने लगा, शायद भूख लग रही है मुझको। भाई कुल मिलाकर कहना चाहूंगा आप लोग बहुत फटे से सपोर्ट करो, क्योंकि जैसे तैसे आप लोगों ने नारुतो को सपोर्ट देकर हिट करा दिया तो आगे चल के आता है सिपेंडन और असली माल मसाला वहीं पर है। और एक सेकंड इमेजिन करो कि आप टीवी खोलते हो और आप लोग को नारुतो देखने के लिए मिलता है, एक सेकंड तो लगता है कि कहीं ड्रीम तो नहीं देख रहे हैं, बट फाइनली जाकर नारुतो हिंदी में आ रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिरकार कौन कौन से एनिमे हिंदी में आने वाले हैं फ्यूचर में। तो एनिमे वर्ल्ड को सपोर्ट करो और मेरी वीडियो को भी, और अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो आप लोग अगले वाली वीडियो में सरप्राइज मिलने वाला है। सब्सक्राइब करोगे तो सरप्राइज मिलेगा, वाह। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।